फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन ने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर किया एक दिवसीय धरना प्रदर्शन। भागलपुर के जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में आज फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं इस प्रदर्शन में सभी डीलर्स की अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर ये प्रदर्शन किया। गौरतलब हो कि प्रदर्शनकारियों का कहना हुआ कि 90 पैसे में दम नहीं और 30,000 से कम नहीं। फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन भागलपुर शाखा के जिलाध्यक्ष गोपाल प्रसाद यादव ने कहा, आज पूरे भारतवर्ष में डीलर्स एसोसिएशन की हड़ताल है और हम लोग इसी बाबत जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम से लिखे पत्र को देने जा रहे हैं। वहीं फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन भागलपुर शाखा के जिला महासचिव चंदन कुमार ने कहा कि हम लोगों की 10 सूत्री मांगे खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 नई नीति लाकर जन वितरण कराया जा रहा है, जिसमें 90 पैसे का कमीशन है, वो भी राज्य खाद्य निगम कब देगी पता नहीं। इस पर जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। पूरे भागलपुर जिला के जन वितरण विक्रेता के साथ एक बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, जो कि आप लोग चौथा स्तंभ है, मीडिया जितने हमारे देश में है वो चौथा स्तंभ है भाई। और आप लोगों से मेरा यही गुजारिश है कि सरकार तर जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जो हैं, हम लोगों से काम करवाया जा रहा है। रजिस्टर में लिखना, एक आदमी मशीन चलाना, एक आदमी बोरा खोल के तौल करना, यह सारा चीज़ जो दिन भर हम काम करते हैं उसका शाम में मजदूरी तक हम नहीं दे पाते। इस मजदूरी के लिए आप लोगों से मेरा एक ही निवेदन है कि आदरणीय नीतीश जी और आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जो हमसे काम करवा रहे हैं उनके तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि यह जो है 90 पैसा में दम नहीं और 30,000 से कम नहीं, यह मेरा घोषणा है। मेरा नाम हुआ गोपाल प्रसाद यादव, जिला फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष। तो 15 फरवरी 2023 को आज समालय परिसर में हम लोग फेयर प्राइस ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप फेडरेशन के आह्वान पर और फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन भागलपुर के तत्वाधान में हम जन वितरण विक्रेता अपनी 10 सूत्री मांग जो सरकार के पास पूर्व से लंबित है उसके मांग के अति में हम लोग धरना के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम से जिला पदाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। आज आप लोग को और मीडिया वाले वर्ग को भी पता है कि आज जन वितरण विक्रेताओं की जो हालात है वो बस से बदतर हो चुकी है। आज भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में नई नीति लाके उसमें फ्री अनाज उपभोक्ताओं के बीच जन वितरण विक्रेताओं से वितरण करवाया जा रहा है, जिसमें 90 पैसा कमीशन मिला और वो भी 90 पैसा कमीशन राज्य खाद्य निगम कब देंगे ये पता नहीं है, गॉड नोज। आज जैसा कि आप लोग को पता है और सारे हमारे विक्रेताओं को भी पता है कि हम लोग जो PMGKY का मार्जिन मनी जो हम लोग गरीब कल्याण योजना का जो खाद्यान्न बांटे हैं वो फिलहाल धीरे धीरे किसी तरीका से राज्य खाद्य निगम हम लोग को दे रहे हैं। तो NSF है जो हम लोग आज खाद्यान्न वितरण कर रहे हैं उपभोक्ताओं के बीच, इसका कमीशन कब मिलेगा ये जानकारी नहीं था। आज हम लोग जो है 10 सूत्री जो मांग है हम लोग का, जबकि वन नेशन वन कार्ड पूरे देश में लागू कर दिया गया है, तो हम विक्रेताओं का मांग है कि वन नेशन वन कमीशन हम लोग को दिया जाए। अगर कमीशन आप वो जितना बनता है हम लोग को 462 रुपया के हिसाब से हम लोग को कमीशन मिलता है, अगर नहीं दे पाते हैं तो आप हम लोग को 30,000 रुपया मान दे दीजिए सजा के रहे और 30,000 रुपया मान दे दीजिए, हम लोग का जो साप्ताहिक छुट्टी आपने बंद कर दिया है उसको दिया जाए, हम लोग का जो अनुकंपा जो था उसमें एज लिमिट कर दिया है वो पूर्व की भांति होनी चाहिए। मेरा नाम चंदन कुमार, जिला महासचिव भागलपुर।